लगाई साहब, कोई दिलचस्प वाकया आपके हाफ़ज़े में अगर हो अपना या किसी और कोलीग का? नीला गुंबद में उन दिनों में रहता था, तो वो जब ड्रामा करके आता था तो अब ये सोचता था कि यार पता नहीं किसी ने देखा भी है या नहीं है। बराल साहब आपको भी बड़ा शौक होगा ना, लोग पहचानते भी हैं, कहते हैं कभी कोई गुजरते हो गए नहीं भी कोई पहचानता, कहते हो गए दफा ये स्टेज ही नहीं देखते, टीवी नहीं देखते है ना। तो हम भी ऐसे वो नीला गुंबद में रहा, जब रात को ड्रामा चला तो सुबह वहाँ साथ ही ना अनारकली बाजार है, अनारकली में एक बानो बाजार है खसूसन औरतों का, औरतों में ये हिस्स ज्यादा होती है पहचानने की और शनाख्ती। और आप सुबह सुबह वहाँ जाते थे? हाँ, मैं वहाँ फिर जाता था, ड्रामा चलाया तो देखें तो सही किस किस ने पहचाना, किसने क्या कहा क्या। अच्छा, खसूसन लड़कियों के पास ही जाते थे आप? खसूसन खसूसन लड़कियों नहीं, हाँ औरतें औरतें खवातीन लड़कियाँ, लड़कियाँ सही कह रहे हो क्योंकि उस वक्त मैं भी लड़के ही था ना। तो वो जाता 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 सारा अनारकली घूमना, फिर उस बाजार में घूमना और सबको देखते भी रहना, कोई भी ना पहचान। बाजार वाले भी कहते थे रोज बंदा आ जाता खरीदा भी कुछ ना। एक क्या है तो फिर आ जाना, कोई पहचानते ही नहीं था। आप दो चार को पहचान के काफी। हम कहते थे कि यार दफा ये इनके पास टेलीविजन ही नहीं है, उस वक्त होते ही नहीं था टेलीविजन, लोगों के पास तो होता नहीं था। ये सही बात, टेलीविजन का नया नया जो आया तो लोगों ने खरीदना तो बाद में शुरू। आप सही कह रहे हैं, पूरे पूरे मोहल्लों में कोई एक आद होता था। 20 साल गुजर गए इस तरह से हमें पहचान करते करते। फिर ये वारिस एक सीरियल आया। जी हां, ओ वारिस तो वायरस थी जो फैल गई दुनिया में, उसने तो शनाख्त दी आपके टेलीविजन को जी। सारी दुनिया भर में ऐसा मशहूर हुआ कि वारिस वारिस हो गया, वारिस ने ये पहचान दी वो सारे लॉर्ड को, औरंगजेब लगारी लोग कहने लग गए, लगारी जा रहे लगारी जाइए, महबूब असलम आबिद, महबूब आलम, महबूब असलम, फिरदौस जमाल, महबूब आलम, महबूब आलम जी का वो कैरेक्टर था जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो सीरियल इतना कामयाब हुआ। छोटा ना कर क्यों नहीं है, खूबसूरत यस, खूबसूरत यस कैरेक्टर वो था। अच्छा ये लगाई साहब, ये जो अभी जो आपने बात की, देखिए महबूब आलम साहब इस दुनिया से चले गए और वक्त की बंद में, जी हाँ वक्त का जुल्म ये है कि अब नौजवान नस्ल में से बहुत सारे लोग शायद जानते भी नहीं होंगे महबूब आलम क्या शख्सियत थे, मगर ये जो आप लोगों में एक बड़ापन था, एक अपनी मुआसराना चश्मक भी होती होगी, ठीक है ना, एक फिर आपने ऐसी की बोले उर्दू बोली है कि मेरा इधर वाला कान सो गए। मैं गुजारिश कर रहा था अभी बड़ी, देखे मुझे अच्छी लगी ये बात कि आपने जिक्र किया और आपने एक बाकायदा क्रेडिट दिया महबूब आलम साहब को, हालांकि आप सब हिस्सा थे और सबने अपनी अपनी जगह बड़ा काम किया, कोई शक नहीं कि महबूब आलम साहब ने तो कमाल ही कर दिया। बट वी वर ऑल सम सब सपोर्ट कर रहे थे, सब सपोर्ट। अच्छा इसी तरह से आप देखिए कि अमजद भाई ने मुझसे कुछ सैकड़ों मरतबा ये बात की, अमजद साहब ने, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत फरमाए, आज वो दुनिया में नहीं है, सैकड़ों मरतबा उन्होंने ये बात की कि भाई ठीक है वारिस तो है सी मेरा और जिस कोई शक नहीं, पर यार महबूब आलम ने जो काम किया है ना, और महबूब आलम के बगैर वारिस नहीं। कि ये जो वजादारी थी आप उस दौर के बेशतर लोगों में चले, सब में ना भी सही, और बड़ापन था कि इकट्ठे काम कर रहे हैं हम असर हैं, मगर यार किसी ने अगर बहुत अच्छा काम किया है और वो लह गया है किसी चीज़ नूं तो उसकी दाद दो, ये वजादारी जो थे ये कहाँ चली गई? वजादारी अक्सर लोग कहते हैं कि कहाँ चली गई, वो ड्रामे आपके नहीं आते हैं, है तो यही कहते हैं ना लोग। अब तो देखिए ना, मैं से आपके जमाने में जो ड्रामे होते थे वो नहीं, लगा मैं से वो वजादारी आप कह रहे हैं कि वजादारी नहीं, तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना वजादारी, पाकिस्तान में वजादारी कौन सी रही है, क्या अखलाक रहा है, क्या कदरें रही हैं, जज्बाती हो जाता हूँ जब पाकिस्तान के हालात जहन में आते हैं। अब तो देखिए ना, मैं वो जो वजादारी की बात कर रहे हैं ना वो उम्र का है तकाजा, हम भी ऐसे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अकल आई कि नहीं, हम शुरू शुरू में जब आए और शौक था काम करने का तो अपने आप को हम भी दिलीप कुमार समझते थे, हम भी समझते थे हम मोहम्मद अली से कम थोड़ी है, हम भी ऐसे बोलते थे, वो था शुरू में ऐसे ही लगता है जैसे मैं कुछ हूँ, फिर जब काम की समझ आने लगती है तो फिर समझ आता है कि कवि खान बहुत बड़ा एक्टर है। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा मुश्किल होता है अपने गिरेबान में। जी जी जी, मैं आपकी नज़र एक शेयर करूं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जो जो हम जानते गए हमने,
मेरा अपना ही शेर है, इसलिए इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि मैं अपने जज्बात जो है पहुँचा सकूँ आप तक और नाज़रीन तक भी। जो जो हम जानते गए हमने, जो जो हम जानते गए हमने, यही जाना कि कुछ भी जाना नहीं। क्या बात है, बड़ा रेलिवेंस रेलिवेंस में आपने बोला है, शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। क्या बात, बहुत मज़ा आया। हम तो कंगन कंगन ही करते रहे लेकिन कितने प्यार, ये शेर पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं, लफ्ज है ना जी, इतने खूबसूरत लफ्ज। एक कमरा है ना रखे तो कट के ले, तो कट के ले आने के दो, पता नहीं। आपका और कबीला लगारी साहब का एक है, आप लोगों की कोई यानी कि कराबतदारी भी थी? हाँ जी, मैं फारूक लगारी साहब जो हमारे फारूक लगा, हाँ जी, अच्छा, हम बलोच हैं, वही फैमिली है हमारी। फारूक लगारी चूँकि ज़रा नुमाया हुए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो गए थे, अल्लाह गरी के रहमत कर, जी आमीन। उसकी और दादी, मेरी दादी और उनकी दादी सगी बहनें थी। अच्छा, फर्स्ट कज़न कज़न ही कह सकते हैं जी। तो एक तरह से अवैज लगारी साहब जो हैं वो आपके भतीजे हो? भतीजे हो, हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, आपका बड़ा तजुर्बा है ज़िंदगी का, आप बहुत काबिल पढ़े लिखे आदमी हैं, और ये फरमाइए कि पूरी दुनिया में जब ऐसे अजीम शान इदारे कायम हो जाएँ और आप जैसे लोग इतने यानी कि बड़े बड़े लोगों ने आबियारी की हो उसकी, तो अमूमन ये होता है कि फिर इदारे उससे आगे जाते हैं। और क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि चार पांच वजूहात रहीं कि पीटीवी जैसा अजीम शान अदारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अजमत और शान व शौकत जो है वो बिल्कुल खोता चला गया? हुकूमतें बदलती रहीं, सफारशी लोग भर्ती होते रहे। अब पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर है मिसाल के तौर पे, वहाँ 500 बंदों की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है 2,500 बंदा है जी। अब 2,500 बंदे को 2-2 लाख, 1-1 लाख, 3-3 लाख तनख्वाह मिल रही है, काम कुछ भी नहीं हो रहा। जितनी फैसिलिटीज पीटीवी के पास हैं किसी के पास भी नहीं है। जितनी खूबसूरत वहाँ पे हमारे जो एनवायरनमेंट दिया गया था, एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत, सब कुछ होते हुए वहाँ काम नहीं होता। क्योंकि हम जब ड्रामा वहाँ करते हैं तो हमारा ड्रामा हमें एक एपिसोड अगर कॉस्ट करता है 40 लाख रुपए, तो हमें बाहर से वो 5 लाख में मिल जाता है। वो 40 लाख इसलिए हमें एक एपिसोड कॉस्ट करता है कि वो 2,500 बंदा जो तनख्वाह ले रहा है वो सारे का सारा हम जब काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए ही बंद होता है ना। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जब मिलाते हैं तो 40 लाख पे जा पड़ती है, तो काम कैसे होगा। इस जवाल का शिकार पाकिस्तान टेलीविजन के आप अरबाब इख्तियार को हुकूमतों को समझते हैं? अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ लाहौर में काम ही नहीं है, काम हो भी नहीं रहा और मेरी ज़रूरत भी नहीं है। बहुत कम हमारे कैरेक्टर आते हैं, ना कोई आपके डायलॉग्स होते हैं उसमें जो हम लोगों को ज़रूरत हो कि हम बोलेंगे जाके, ना वो डायलॉग ओरिएंटेड है। तो यहाँ काम लाहौर में कम हो गया, हमने तो फर्नीचर की दुकान खोल ली है। जी जी, बड़ी बेहतरीन चल रही है सर। हमने कहा चलो और कुछ नहीं तो फर्नीचर की दुकान तो बंद है। ये फरमाइए कि यकीन आप भी समझते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई भी शख्स कोई भी काम करे बहुत अच्छी बात है और आप एक बड़ा बावकार काम कर रहे हैं, मगर एक आर्टिस्ट जिसकी ख्वाहिश और जो इतना तजुर्बा हो उससे सोसाइटी को भी फ़ायदा उठाना चाहिए, जो मेकर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा उठाना चाहिए कि यार अच्छा भाई ये रोल तो है, ये तो और कोई कर नहीं सकता या सिर्फ चंद लोग कर सकते हैं। कितनी टूट फूट होती है आपके अंदर के फनकार में जब एक तिशनगी रह जाती है, जब आप वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वो मौका वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते और उसके बजाय आपको एक कारोबार के लिए फर्नीचर की दुकान पर बैठना पड़ता है? नहीं शायद ये सिर्फ टूट फूट मेरे अंदर नहीं हो रही, बल्कि आप लोगों के अंदर भी जी बहुत है, कोई शक, हमारा मीडियम बहुत काम कर सकता है, इसको करना चाहिए। ये नहीं कि फर्नीचर की दुकान खोल दिए तो मैंने काम छोड़ दिए, लेकिन काम हो गया है, इसको ज़्यादा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए ताकि अच्छा आप जैसे लोग करें। स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम औरंगजेब लगारी साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। लगारी साहब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो देखते हैं कि पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती।
अस्सलाम वालेकुम जी लगारी साहब, सुना है कि आपके दौर में एक एक्टर दूसरे एक्टर का सीन ख़राब कर देते थे, और ये भी सुना है कि एक एक्टर कोशिश करता था कि दूसरे एक्टर को खा जाए, क्या ऐसा दुरुस्त है? खा जाए ये सही सुना है इन्होंने। बाद एक्टर ऐसे होते थे जो कोशिश करते थे कि डोमिनेट कर जाए, इनका भी शायद मकसद यही था कहने का। तो वो डोमिनेट शुरू में तो होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता अकल आती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अकल आते आते मेरा ख्याल है अब आर्टिस्टों को अकल आ गई है कि दूसरों को इस तरह से जेर नहीं करना होता, आपने अपने कैरेक्टर में बिहेव करना होता। तो अब मेरा ख्याल है कुछ समझ आ गई है। और ये भी तो होता था ना एक ज़माने में कि मिसाल तौर पर ए ने अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, अच्छा बी की बारी आई है, तो मतलब मैंने खुद देखा भी और मेरे इल्म में भी है बात, तो सिर्फ ये नहीं कि उसको डोमिनेट कर रहे हैं, वो तो देखा कि ए का काम बहुत अच्छा हो गया था, अब वो सीन बी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, तो बी अपना ख़राब कर देता था कि सारे का सारा रीटेक हो जाए। ये भी तो होता था। ये बिल्कुल मुझे नाम भी याद आ गया मुझे आर्टिस्ट का नाम भी याद आ गया जो ये आम तौर पर करता था। होता है, अब अच्छे बुरे तो होते हैं हर माशरे में होते हैं। तो हमारा जो इलाका है एक्टिंग का, इसमें भी तो कुछ लोग ऐसे हैं। मैं नाज़िम को एक चीज़ और बताऊँ, बड़ा लुत्फ़ लेंगे वो इस बात का कि जब ये ज़रा सीनियर हो जाते थे आर्टिस्ट, तो जो कैमरे का लेंस है ना, तो वो कैमरे का लेंस जब क्लोज़अप आता था तो अंदर से मूव करता है, और आर्टिस्ट जब सीनियर हो जाता है तो उसे पता लग जाता है कि लेंस जो है वो मूव किया है और अब डायरेक्टर ने मेरा क्लोज़ बनाया है। तो वो क्या करते थे कि लॉन्ग में कि ताकि मेरा अच्छा क्लोज़ की सबकी ख्वाहिश होती थी कि लॉन्ग में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, जैसे ही क्लोज़अप आता था तो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते थे।